राजधानी के शिक्षा संकुल में 10 निजी संस्थानों के साथ एमओयू किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देशभर में राजस्थान शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी तक निजी संस्थानों के साथ एमओयू किया गया है और आने वाले समय में राजस्थान प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पहले पायदान पर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि प्रदेश में गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और सरकारी स्कूल के स्तर में सुधार हो। इसी अवसर पर मंत्री ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी देने का वायदा किया, लेकिन बेरोजगारों के साथ में छलावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार जल्द ही शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देगी, जिसके लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। होप फाउंडेशन नहीं थे।